अच्छा ना भाई, बहुत हंस लिया यार उस जुनैद जमशेद वाले जोक पर। अबे उस पे नहीं हंस रहा यार मैं। दूसरी बात बता, गाँव का एक वाक्य याद आ गया। गाँव का तू सुनाओ ना। अबे एकदम हमारे गाँव में था कॉन्सर्ट। अबे गाँव में कॉन्सर्ट था मतलब मेला लगा था यार, वहाँ पे एक सेक्शन था उसका म्यूजिक का। अच्छा तो कौन आया था गाने के लिए? वहाँ पे आई शाजिया खुश। शाजिया खुश? शाजिया खुश का ही सुबह बारिश हो गई, सारा माहौल गीला गीला हो गया है। कुछ नहीं यार मजाक करो। अबे वो अपना शाजिया खुश का ही ना, उस वक्त था उस मेले का टिकट 100 रुपये। मैं तेरा भाई 100 रुपये का टिकट लेके वहाँ पे गया, सबसे फ्रंट पे सबसे आगे खड़ा। जैसे तेरे पीछे मुड़ जाएगा, मेरे पीछे कोई भी नहीं, सब लोग दीवार टाप टाप के जा रहे। वो जो टिकट चेक कर रहा है वो खुद हंस रहा है, भाई क्या हो गया यार, पैसे देके जा रहे हो यार। शायद झूठ ना बोल यार, मैं तुम सबसे आगे हो गए टापने वालों में से। सच बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोला। उसका सीट का नहीं मिले आखिर में, इतनी दूर मिली कि समझ नहीं आता शादी खुद ने कपड़े कौन से रख के पहने में। तो वो मूवी में देखा समझ में आया। यार जो भी है तुम जो है इतने शरीफ नहीं होगे 100 रुपये खर्च किए होंगे तुमने। ओ भाई मैं ऐसा बचपन से नहीं हूँ, ये तो जरा कराची के हालात ने कर दिया मुझे। कराची के माहौल ने क्या कर दिया तुम्हें? और यहाँ जब आया था मैं इतना शरीफ था। यानी कि तुम जब कराची आए थे तब तुम शरीफ थे? मुझे गाँव में क्या कहते थे? क्या? शाहिद शरीफ छोरा। शाहिद शरीफ छोरा और क्या वे? अबे गौर से सुनते छिछोरा होगा, शाहिद शरीफ छिछोरा। नहीं यार छोरा था। अबे इतना इतना नेक बच्चा चल रहा था मैं कि मेरे तो मिसालें दी जाती थी गांव में। जब कोई बच्चा मस्ती कर रहा हो कहता था शाहिद को देखो इतना शरीफ बच्चा, ये मन भर काजल यहाँ तक कान तक टकरा। ये 100 1100 रुपये हो गया, ये 200 1200 हो गया, 1200 रुपये हो गया। हाँ। अब मैं टैक्सी करके लाता हूँ। अच्छा। तुम यही खड़े हो, ठीक है, जाना नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, इधर ही बैठ जाओ। अच्छा। मैं टैक्सी करके लाता हूँ, ठीक है, सही है। हाँ। इधर ही बैठो, ठीक है, अभी बैठ जाता हूँ। यार अभी अल्लाह करे ये बंदा टैक्सी कर दे यार, ये तो बिल्कुल अजनबी शहर में तो हमको तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ यार ये टैक्सी पकड़ी है इसने, बंदा शरीफ है, वाह सही वाह, पीले रंग की टैक्सी, वाह वाह वाह। अभी जाऊंगा गांव में सबको बताऊंगा टैक्सी में बैठा था। अरे ये तो आ रहा है इधर। टैक्सी कर लिया मैंने। अच्छा। हाँ पैसा वैसा मैंने उसको दे दिया, पैसा वैसा कुछ नहीं देना उसको। अरे बहुत बहुत शुक्रिया यार। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बाकी पैसे? बाकी काय के पैसे यार, 1200 दिए थे ना।
ओ भाई 1300 रुपए में बात हुई थी, वो तो पैसे कम करा के 1200 रुपए में करवाइए। मार बिना, इतना महंगा? हाँ, लेकिन यार गांव से तो मैं 150 रुपए में आया हूँ। कौन से गांव से आया बे? मैं लाड़काना से आया हूँ। तो आया भी लाड़काना से है ना, देख तो अभी इतना महंगा होगा यहाँ पे। हाँ, ये शहर कराची, इधर थोड़ी थोड़ी जगह पे जाएगा, पैसा लगेगा। हर जियासी बाबा, ठीक है, पर बहुत बहुत शुक्रिया यार, ये पहुँचा तो देगा ना मेरे को? मैंने बता दिया इसको, ये पहुंचा देगा तुम्हें, पैसा वैसा कुछ नहीं देना, तुम जाओ, तुम्हें उतार देगा यूनिवर्सिटी। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अरे वाह पापा वाह, नहीं पापा आगे थोड़ी, हम पीछे बैठेगा, ये खोलो। वाह रे वाह, शायद तेरी तो ले हो गई। अरे टैक्सी वाला, टैक्सी क्यों रोक दी, खराब हो गई क्या? यूनिवर्सिटी आ गई ना आपकी? हैं, किधर है ये सामने? क्या यूनिवर्सिटी? अरे क्या बात करता है, भाड़ा हो गया क्या? उधर से इधर तक आने का 1200 लिया तूने? 1200 रुपए किससे लिए? 25 रुपए लिए। अबे मैंने खुद दिया है 1200 रुपए। मुझे काली शर्ट वाले ने 25 रुपए दिए। अरे खबरदार हो, जो शरीफ आदमी के ऊपर ऐसी कोई बात किए तो। कोई नहीं, मेरे को 25 रुपए दिए उसने। तुम झूठ बोलता है, तुम अब दूर हमारे पैसे निकालो, चलो हटो। अरे बकवास नहीं करो, मैं धम मारूंगा, तुम क्या समझता है हम गांव का? अरे आ जाओ, अभी तुम्हारी ऐसा बताता है की हम भी गाँव का सुन शेर हूँ। चलो नहीं यार, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा भाई। भैया एक दफा वो बंदा मुझे मिल जाए, उसने मेरे से 1200 लिए थे, मैं 1200 निकला के नहीं छोड़ू ना, फिर नाम बदल दियो मेरा। तो फिर बताओ ना आगे क्या हुआ? अबे छोड़ना है, तुझे बड़ा मजा आ रहा है मेरे फ्लैशबैक सुनने में। यार तो बताओ ना क्या हुआ, शायद शरीफ छोरे। तू सोच कि तेरे सबसे हाईएस्ट नंबर आए हो क्लास में, और तू पिट गया हो पूरी तरह वो बताने में। शायद शायद कहाँ है यार, कहाँ घूम रहा है धूप में? इधर आ यार, छाव में बैठ। अरे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है बिलाल, तुम कैसे? मैं ठीक हूँ यार, मेरा अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है मालिक। क्या बात है यार, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। बाबा बात ही खुशी की है, बता ना फिर। यार पता है मेरे जो है ना क्लास में 75 मार्क्स आए। मुबारक हो यार। खैर मुबारक, पोजीशन उठाई है पोजीशन, टीचर ने खुद बुला के मेरे को बोला के यार तुम तो बहुत ज़हीन लड़का हो। हाँ यार मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन देख कराची की लैंग्वेज में बोलते हैं मैंने नंबर फेंका है। मैं नंबर फेंका है? हाँ। नहीं फेंका नहीं है, मैंने लिया है नंबर। यार तूने कराची वाला बनना है ना, बनना है ना, बस यहाँ की लैंग्वेज में कहते हैं मैंने नंबर फेंका है। अच्छा। हाँ यहाँ पे नहीं ऐसे बोले कि मैंने नंबर फेंका? फेंका है। अच्छा। हाँ तो फिर मैं कराची वाला हो जाऊँगा? कराची वाला हो जाएगा। अरे वाह, फिर तो ये तो बोलना पड़ेगा लोगों को, अभी मैं सबको खुशखबरी देता हूँ। आ जा आ जा। यार पता नहीं कौन है यार, नंबर फेंक के चला आता है बालकनी के। कोई पहचान वहचान कभी देखा तुमने? नहीं यार पता नहीं कौन है, नंबर पड़ा हुआ था जब आओ। वो देख वो लड़के है ना, उनको तू जाके बता। अच्छा वो खुश होंगे। होंगे खुश? वो खुश होंगे। अच्छा तो तुझे चलना साथ में? यार मैं तो जाऊंगा, मुझे तो एक काम है ना। अच्छा फिर तू जा उनके पास, वो खुश होंगे। मैं भी चाह रहा हूँ मेरी दोस्ती वोस्ती हो जाए कराची में, कोई अच्छे लड़के अच्छे लड़के हैं वो, तू जा उनके पास। ठीक है वो खुश होंगे, मैं निकलूँ। खुदा नहीं बेफिक्र, इंशाल्लाह मिल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं उसको, बेफिक्र रहो। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हो? मेरा नाम है शाहिद, समझे? आपको पता है नंबर किसने फेंका है? किसने फेंका भाई? नंबर मेरे फेंका है। जाती है भैया, तो जाती है यार, फिर भी एक चीज में सीखा भैया, गेनिंग क्वालिटी तो मेरे अंदर थी ना, हर चीज सीख जाता था। क्या सीखा? उसके बाद तेरे भाई ने जो जेबों में नंबर रखने शुरू किए, हमने सोचा कि नंबर नहीं रख के इतना कुटास खाइए, टाइट मार लगी मेरे को, उससे अच्छा नंबर रखें उसके बाद पिटे। फिर तेरा भाई निशानेबाज हो गया ना, ये लड़की का नंबर ये। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लड़की जेब खोलती थी पर्स की, अपना पैसा निकाल लेंगे, यूं मेरा नंबर उड़ते जाता था उसके अपना पर्स में, ये याद रहा। लेकिन तुम नंबर देते किस साथ? पीसीओ का। पीसीओ का? पीसीओ का नंबर रहता था भाई। तो कोई फंसी? ऐसी ऐसी लड़कियां फंसी, मतलब तुमसे? मुझसे नहीं यार, करीम से। करीम कौन है भाई? पीसीओ का मालिक यार। यार ये तो हद ही हो गई। बस ठीक रहे, क्या करे। खैर आगे क्या हुआ बताना, तुझे बड़ा मजा आया, ले फिल्म बनाएगा क्या मेरी स्टोरी के ऊपर? यार तो क्या तुम बीच में रुक क्यों जाते हो बार बार? यार तो स्टार्टिंग ही करनी थी कहानी, अब भाई मैंने जाता पूरी सुनाओ। अबे यार क्या क्या बताऊं, बताओ ना आगे कुछ। बता रहा हूँ क्या बताऊं,
उसके बाद अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ ये बताओ कि तुम जब आए थे तब तुम रहेगा क्या याद दिला दे यार। शुरू शुरू में तो भाई कभी भी सो जाते थे, रात होती थी दोस्तों में आ जाता यार भाई, यार भाई रियाज भाई सुला दे यार कहीं से। तो भाई रियाज क्या करता था, सर्वेंट क्वार्टर देता, छतें टपकती थी उसकी, तो यहाँ पे कप रखा होता था, यहाँ एक पानी आ रहा है यहाँ से पानी आ रहा है, इतनी टेंशन में सोता था, दुआ करता था सुबह हो जाए। फिर कभी गफूर गया, कभी रहीम गया, कभी करीम गया, कभी नईम गया, सो गए तो उसकी अम्मी आ जाती थी मुल्तान से, फिर रात को ही उठ के जाना पड़ता था बैग, अभी अम्मी अभी अम्मी अभी चला जाए भाई, अभी अम्मी डांटेंगी, फिर वहाँ से उठ के आ जाता। फिर कभी किसी के पास चले गए, उसका अब्बा आ जाता था इस्लाम से, बड़े एक टेंशन। फिर मुझे एक दोस्त मिला मेरा, हाँ आमिर, अपना वो कॉलेज वाला, अभी नहीं कॉलेज वाला नहीं यार, अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो कराची छोड़ के चला गया होगा। हैं तो कौन था ये? ये था एक बेचारा यार हमारे साथ पढ़ता था वहाँ पे, उसने मुझे ऑफर की कि भैया आजकल फ्लैट है अपने पास, तुम रहोगे? मैंने ले भाई नहीं की और पूछ पूछ अंधा क्या मांगे, क्या मांगे क्या मांगे, दो आंखें, अबे तेरे को तो सही पता ही नहीं है कि अंधा क्या मांगे, अंधे को दो आंखें चाहिए होती। हाँ ना, फिर तो हमें बोला चलो भाई फ्लैट मिल गया, चले गए। ओ फ्लैट उसका इतना बड़ा फ्लैट, जैसे ये है ना फ्लैट अपना वैसा, वो फ्लैट मतलब ऐसा गोला गंडा नहीं था लेकिन साफ सुथरा अच्छा खासा फ्लैट था। उस फ्लैट की मैं बड़ी केयर करता है, जैसे मैं इसकी केयर करता हूँ फ्लैट उसकी, मैं उसको भी मैं अपना समझता, जैसे ये मेरा अपना फ्लैट है ना, मेरा अपना फ्लैट मेरा अपना है ना ये, नहीं चल तो वो भी वैसे ही था मेरा अपना, ऐसा चकाचक करके रखता था फ्लैट को। इकड़ो मनुआ सपनी के प्यारो यार शायद। हाँ जानी यार एक काम कर। हाँ एक कप चाय पिला दे। एक कप चाय? यार आदमी है क्या है, अभी तो पूरा मट भर चाय पिया है यार। तो क्या हो गया यार, तू मेरा दोस्त है यार, दोस्त है मेरा तू। अच्छा एक बात सुनो यार, अभी एक बात करते हैं। हाँ यार आज तुम मेरे को चाय पिला दो यार, यार हमको भी तो पता लगे कि दूसरे के हाथ की चाय होती कैसी है। अबे यार जब तू पहली बार आया था तो चाय किसने पिलाई थी? तुमने पिलाई थी। और फिर आज तुम पिलाओ ना यार। लेकिन उस बात को तो 3 महीने हो गए। 3 महीने से रहे अभी तो मेरे घर में रहे हो, ये घर मेरा है भाई, किचन मेरा है यार, ये सब मेरा है भाई। हाँ बाबा तुम्हारा मेरा है, मैं कब कह रहा हूँ कि मेरा है यार। तो यार अगर तुम चाय पिला दोगे, चलो शाबाश चाय। अच्छा यार बिल्कुल पिलाते हैं, दोस्ती तो हमारी पक्की है ना, हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे। अलहमदुल्ला आ गया हूँ कराची बाकायदा। कराची वाला कब बनेगा यार, कब बनेगा तू भाई? हमारे ऊपर कौन रहता है? आंटी कुलसुम। अबे आंटी कुलसुम के पास जाओ और ले पत्ती यार, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है यार। तो बात तो बा वो तो औरत है। तू कब कब कराची आएगा? तू आया नहीं कराची अभी तक। तू अबे आ गया हूं। अबे भाई यार लोग क्या क्या मांग लेते हैं, तू तो खाली चाय की पत्ती मांगने जा रहा है यार। अच्छा जा यार जा। वो तेरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा यार। अच्छा तू जा भाई। नहीं जाता हूँ यार। अपना आमिर यार ये तो एक और मसला हो गया। क्या हो गया यार? यार हमारे पास तो चीनी भी नहीं है। कौसर आंटी के सामने कौन रहता है? ये अपना कौसर आंटी के सामने रूबी आंटी रहती है। अबे यार तो रूबी आंटी से ले आया यार चीनी यार। अबे आंटियों के पास भेज रहा है पापा, बहुत मार लगेगी मैं बता रहा। अबे यार तू जा बस यार, तू आमिर दादा के पास है अभी, तू फिकर मत कर, तू जा। अच्छा जा, जा शाबाश। अभी कुछ हो तो तुम्हारा नाम ले लूं? भाई कुछ नहीं होगा यार, तू जा बस यार, मैं बैठा हूं पीछे। मालिक बेड़ा पार कर रही है ना, मोचड़ा खा रहा है साके, ये नहीं भागो बेड़ा। तो यार शायद तुम तो बहुत ख्याल रखते थे उस जगह का यार, सफाई का। तो मेरी बारी में क्या हुआ तुम्हें? अबे तेरी बारी में क्या यार, उस वक्त हम सीख रहे थे, अब हम सीख चुके हैं, अब हम उस्ताद हो गए, अब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा तो ये तो बताओ कि तुम गांव से आते तो तुम्हारा तो सिंधी एक्सेंट होना चाहिए ना, तुम इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल रहे हो? ये भी यार मेहरबानी अपने आमिर की, जिगरी आमिर की। अबे ऐसी उर्दू सिखाई, मार मार के उर्दू सिखाई। पहले बोलता था यार बड़ी भूख लग रही है, चल रहा है भाई खाना खा ले, ठपा ठपट। मैं क्या हुआ भाई क्या हुआ? सही बोल फिर बोलता था यार वो भूख लग रही है कि चले खाना खा के। फिर ऐसी उर्दू हो गई, ऐसी उर्दू टाप उर्दू आमिर की उर्दू कम हो गई। फिर मैं बोलता था कि यार हिजबे मा तकद्दुम के तहत अमली दिखाना जंगली में शदीद तरीके से फायरिंग हो रही है, भूख लग रही है, प्लीज किबला मोहतरम चल के खाना खा ले। क्या बोल दिया तुमने? अबे भाई बस ये नॉर्मल लैंग्वेज है, अब सिंधी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिंधी भूल गया। सिंधी भी कमाल आती है मेरे को। डेडर जंज नो रेडियो दौड़ने दौड़ने नड़ते चढ़ी हो डेडर डाडो डिंगो आए। बाबा सिंधी ऐसी बोलता हूँ वाला कसम, अगर बात झली है और राम भुट्टो हड़ने वाले बात तो तुझे बिखरी बिखरी नहीं दो भाई, समझी तो गाल के डेडर बेड़ा गड है खिली की रो बेड़ा बात तो थोड़ा ही बाजो हेड़ो और मुंह तुझे हेड़ो वाला दंड, समझ रहा है? सिंधी भी कमाल आती है। हाँ बिस्ते बाबा बिस्ते।
समझ में नहीं आती है, इतना छोटा सा फ्लैट, पता नहीं जिन भूत रहते हैं क्या रहता है इधर। यार हाँ मेरे भाई, मेरा एक मसला तो सॉल्व करो। अब क्या हो गया भाई? यार मेरी खाला शमन ने जो है ना एक कुर्ता भेजा था मेरे को, मिलता ही नहीं है, पता नहीं किधर गया ना, फ्लैट इतना छोटा सा है, इधर सुई घूमे तो वो मिल जाए, फिर कुर्ता नहीं मिलता है, इतना बड़ा हद हो गई है। इतने बड़े फ्लैट ऐसे तो गांव में हमारे मुर्गी रहती थी इतनी जगह में, और हमें ये क्या है यार, कुर्ता तुम पहनावा यार, इतने प्यार से उन्होंने खुद हाथों से सी के भेजा है, हमें पहना नहीं, तुम पहन लिया। अबे तो क्या हो गया बे, कुर्ता पहनाना, कुर्ता ही पहनाना खाली। ये फ्लैट किसका है? किसका है ये? तुम्हारा है, याद रखा कर ये बात। हाँ, याद रखा कर तू भाई, याद है, फ्लैट तुम्हारा है, कुर्ता तुम्हारा है। हाँ। ऐसी क्या बात है, अगली दफा चप्पलें आएंगी वो पहनना, कुर्ते के साथ बड़ी मैच करेंगी, लाल रंग की है। ठीक सही है, कुर्ता अच्छा लग रहा है। बात सुन एक, ज्यादा तू जो है ना ये शोर मत किया कर, मैं जो बातें तुझे समझा रहा हूँ ना इन्हें तू गौर से सुन ले। अब ये कुर्ते वुर्ते जो है ना पेंड में डालना छोड़ दे, अब तू शहर आ गया है, शहर है ये भाई, कराची शहर है ये, इंटरनेशनल शहर है ये, समझा? हाँ। वो तेरा जो गांव है ना जहाँ मुर्गियां रहती हैं ऐसे फ्लैटों में, वहां से मंगवा ले थोड़े पैसे और जा तारिक रोड, देख लड़कों को कैसे पहनते हैं कपड़े, ये गाँव नहीं है भाई। हाँ। समझा? और ज्यादा ये साई साई मत किया कर, अपनी उर्दू जो है ना ठीक कर, ठीक करो। अच्छा, उर्दू अच्छी बोलू? हाँ, वरना लोग ऐसा चूना लगाएंगे ना कि तू चूना ढूंढता रह जाएगा। अच्छा ठीक है, बड़ा साइन साइन करता है कुर्ता ये वाला, सही करिए उर्दू अपनी। सही कर दूंगा, डांटता क्यों है, करता हूँ ठीक, हरू भरू डांटता बोलता तो सही है, हरू भरू खामखा, खामखा डांटा है, डांटा है नहीं है, खामखा डांटा है, खामखा डांटा है साईं, साईं नहीं बोला, ओ साईं नहीं बोला सर, खामखा, खामखा डांटा है। हेलो, सलाम अलैकुम, मेरा नाम शाहिद है, शाहिद, सलाम अलैकुम, मेरा नाम शाहिद, पागल है एकदम, पागल है एकदम, बात नहीं समझता है, बात नहीं समझता है। सलाम अलैकुम, मेरा नाम शाहिद है, मैं प्री इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ, आप क्या करते हो? अभी उठा के जूता सर पे ऐसा मारेगा, यार कैसा आदमी है, सही बोल। अच्छा ओके, हाँ एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद है, आपका नाम क्या है? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मेरा नाम शाहिद है, आपका नाम क्या है? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, ओह माय नेम इज शाहिद, आपका नाम क्या है? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आमिर, आमिर, अबे यार चाय तो बुला, आमिर यार शायद, शायद बुला यार, पहले तो बुलाया था फ्लैट में, तो किसने चाय बुलाई थी? मैंने बुलाई थी ना, अब कौन बुलाएगा? तो क्या तेरे मतलब मैं बार बार मैं चाय बुलाऊं? अब तू बुलाएगा चाय? हाँ। अब तू चाय बुलाएगा? सुन, हमारे फ्लैट के ऊपर कौन रहता है? हाँ ये कराची, कराची समझे ना, अब यहाँ मॉडर्न हो जा तू। ठीक है, अब शायद तुम आ गए, अंदर का आदमी जाग रहा है बाबा। अब शायद तुम आ गए हो शहर में, और अब भूल जाओ ये गांव की रस्में, अब सो जाओ सही शहरी। यार आमिर तो बड़ा काम का बंदा निकला यार, बहुत हेल्प की तुम्हारी उसने। हाँ हेल्प तो की, लेकिन यार बाद में तो तंग करने लग गया, चीकर हो गया जान को मेरी, क्या कर दिया उसने ऐसा? भाई देखे ना, आपने मुझे ट्रेनिंग दी शुरू में, बट ठीक है उतनी ट्रेनिंग तो काफी है, सीख गया मैं समझ गया, फिर एकदम लेवल सेम हो जाता है ना, फिर आप मुझे उसी तरह ट्रीट करो। हाँ ये भी है, अब वो उस वक्त भी जब मैं सेट हो गया फिर मुझे शेखू की तरह ट्रीट कर रहा था। क्या मतलब शेखू की तरह? वो भाई मैं तुम्हारा काम इसलिए नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, मैं जो इसलिए करता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, और जो यहाँ पर तुमने मेरी जान बचाई थी उस दिन, इसलिए ये सारे काम करता हूँ। क्यों तू क्यों डिफेंसिव हो रहा है ना, हमें गबल्ला करवा रहा है भाई, देखना दुनिया में तू एक शेखू तो नहीं है ना, मेरा एक और दोस्त है शेखू यार, वो भी दुबई से है। क्या शेखू मेरा एक और? यार तू एक शेखू है क्या? शेख चिल्ली कौन था? था कोई, हाँ उसको प्यार से लोग शेखू बोलते थे, वो एक शेखू हो गया, एक तू हो गया, एक और शेखू जिसको मैं जानता हूँ, एक अब्दुल करीम का शेखू उसको, अबे शेखू बहुत है यार, अब शायद बहुत है, मैं माइंड नहीं करता। अरे यार क्या फिजूल बातें कर रहे हो तुम, आगे बताओ ना क्या हुआ? तो वो तुम कह रहे थे कि वो तो शहर छोड़ के चला गया। हाँ मतलब चला गया ना, वो शहर उसको छोड़ के गया नहीं, उसको भेजा गया, भेजा गया, बाकायदा प्लानिंग की गई, दिमाग लगाया हमने। तुमने प्लानिंग की? हाँ यार भाई, बंदा काम पे काम कराया जा रहा है, काम पे काम कराया जा रहा है, हमने बोला भैया बहुत हो गया, बताओ तो क्या किया तुमने? क्या हो गया भाई, तू इतना परेशान क्यों है? यार शायद
छत क्यों नहीं फटती है यार? पैसे आ जाए यार, पैसे पैसे चाहिए शायद। एक टाइट शानदार प्लान है यार मेरे पास। अबे शायद तेरे दिमाग में प्लान नहीं यार। अबे भाई तू प्लान सुने ना तो तेरे दिमाग की वायरें हिल जाएंगी। कमाल प्लान लेके आया भाई, तू सुन तो ले एक दफा। देख मेरी है गांव में जमीन है। अबे शायद तेरी जमीन है यार, गांव है यार। अबे बेचे यार जमीने, चल बे गाड़ी वाड़ी फ्लैट स्लैट यार, डेटा शेटा यार, कब चल रहा है ये बता तू, बस गाओ कब चल रहा है। अबे भाई पूरी बात तो होने दिया यार, तू अपनी ट्रेन आगे ले आता यार, कैसा आदमी है यार खुदा की कसम। अच्छा चल तू, तू क्या पहले जहाज में पायलट था क्या यार? सुन बात सुन, देख ऐसी नहीं है जमीने जो बेची जाए, समझ रहे ना? उस जमीन पे फसलें उगती हैं गेहूं की। हाँ अब चक्कर ये है कि हम वहां जाएंगे ठीक है, और वहां से दो चार बोरियां गेहूं की ले आएंगे और यहाँ पे आके बेच देंगे। वो कोई पार्टी वार्टी तूने देखी है कोई? तू उसकी फिक्र नहीं कर, मैंने बात बात करके रखी हुई मोहल्ले में, समझ गया। अब यहाँ अब हम जाएंगे वहां पे, जाहिर है ठीक है, और गेहूं मिलेगा फ्री में, यहाँ के बेच देंगे। तू मान दादा मान, सोच 10,000 रुपए कहीं भी नहीं गए। 10,000 पहले चक्कर में? नहीं यार। अबे कब चल रहा है तू, बस तू बता मुझे कब चल रहा है। बस यार पैसों का मसला है, किराए के डायरेक्ट ट्रेन में जाएंगे भाई, एयर कंडीशन वगैरह। अबे बर्थ मैं तो बर्थ मेरे लिए तो शायद देखे देख, ट्रेन में मैं जो तेरा भाई सोता है बस, सफर में ना प्रॉब्लम, ये बचपन से प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, अब ये तेरे फरमाइशी प्रोग्राम जो शुरू हो रहे हैं ना उसके हाँ। लिए पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं कुछ। सही ठीक है हाँ। देख अब 500 रुपए तो मेरे पास पड़े हुए, अगर कुछ पैसे और हो जाए 700 रुपए का टिकट होगा एयर कंडीशन का, अबे मजा आएगा। मेरे पास देख 1,000 रुपए पड़े, लेकिन वो 10,000 रुपए में से इसका हिसाब अलग होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल अलग, ये बस ठीक है। फिर ठीक है, तो ऐसा है मेरे पास, तय होगी ना बात? बात तय ठीक है। तो अब ऐसा कर कि तू 500 रुपए ले मुझसे, और ये कड़कती हुई धूप में जा तू बस में बैठ के, टिकट करा ले कैंट से ठीक है, फिर शाम को आके साथ चलते हैं। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया शायद इस धूप में, और मैं जाऊंगा, मैं आमिर। अच्छा है तो एक काम कर, तू ये 1,000 रुपए ले मुझसे, जल्दी देना यार। ये 1,000 रुपए तू 1,000 रुपए दे, ये देख ये बस, 1,000 रुपए ले। और अब चक्कर ये है, 500 है मेरे पास, 1,000 रुपए हो गई है बस, टिकट करा दो, तू रेस्ट कर बस दादा, जल्दी आ जाओ तुम, बस बस तू फिक्र नहीं कर यार, यूं शंट जाओ और शंट आ दूं। अबे शालीमार एक्सप्रेस की जा, तेरा भाई इंतजार कर रहा है, आ जा बे। यार आमिर एक दफा खड़ा हो जा यार। अबे अब क्या हो गया? अबे खड़ा तो हो जा यार, खड़ा हो जा, गले मिलेंगे यार मेरी जान, गले मिलेंगे। अबे तू जा थोड़ी रहा, आ रहा है तू तो शाम को। हां मैं आ रहा हूं यार, लेकिन एक बात बता। क्या? तेरे को कोई मेरी बात बुरी नहीं लगी यार? अबे तू मेरा कभी भी नहीं लगी ना? नहीं नहीं यार, बट ठीक है यार, तू आ रहा है ना तू? बट तू बात कोई दिल में नहीं रखी, मैं बस गया और ये देख बस दे आया मैं, तू बस आ जा, जल्दी आ जा, बस आ जा बे। 10,000 आ रहे आमिर। अबे इसकी जमीनें बेचने का प्लान बना, खोपड़ी लड़ा यार। तू लगा दिमाग का जोर, मैं चला किसी और मुर्गे की ओर।